मेरा नाम डॉक्टर आईपी सिंह है, मैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम चंडीगढ़। 21 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसको हम सोलर इक्लिप्स के नाम से भी जानते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। आपको कोशिश ये करनी है कि 21 को बच्चों को बाहर ना जाने दें, सूर्य ग्रहण के वो ना देखने दें। उसका एक कारण है, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। सूर्य ग्रहण होता क्या है कि बेसिकली द मून इज़ गोइंग अराउंड द अर्थ एंड एट वन पॉइंट वो जो मून है वो सन के आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से सन पूरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन इट कम्प्लीटली उसको कवर नहीं करेगा। सो दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, कि एक छोटा सा लेयर सन का उसके आसपास रह जाएगा। वॉट विल हैपन इज़ कि ये जो रेडिएशन अब सन की निकलेंगी, दीज विल बी फोकस्ड, दिस विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन। एक सेकेंड के लिए भी अगर बच्चे या कोई और भी इसको देख लेगा तो ये मैकुला को बर्न कर देगा। नाउ व्हाट इज़ अ मैकुला? रेटिना के अंदर जो सबसे सेंसिटिव एरिया है उसको मैकुला बोलते हैं। ये रेडिएशन जब मैकुला पे पड़ेंगी तो उसको लाइफ लॉन्ग मैकुलर बर्न कर देंगी। सो अगर कोशिश ये रहनी चाहिए कि बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए, एब्सोल्युटली फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग टू अराउंड 3 PM, सुबह 9 से 3 बजे तक। अगर आप लोगों को भी, हमें भी, किसी को भी बाहर जाना है तो एक तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, कीप योर बॉडी कवर्ड एंड यूवी प्रोटेक्शन गॉगल ज़रूर डालिए। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी डू कीप गेटिंग पेशेंट्स जो आप ही खुद हिस्ट्री देते हैं कि जी सूर्य ग्रहण देखा था और उसके बाद से हमें एक ब्लैक स्पॉट विजन में दिख रहा है एंड द विजन इज़ नेवर द सेम अगेन, नीदर कैन एनीबडी ट्रीट इट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 को ये